अच्छा आज हम डिस्कस करेंगे इंटरकोस्टल नर्व के बारे में, समझ आ रही है? इंटरकोस्टल नर्व क्या होता है? देखें, सबसे पहले इंटरकोस्टल नर्व जो है ये पाई कहाँ जाती है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये नर्व जो होती है ये पाई कहाँ जाती है? एक तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरकोस्टल नर्व इंटरकोस्टल स्पेस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इंटरकोस्टल स्पेस में। तो इंटरकोस्टल स्पेस में ये आपकी नर्व कहाँ पाई जाएगी? ये जो आपकी नर्व होती है ये आपकी रिब्स जो है, ये रिब्स, जहां पर रिब्स एक तरह का एंगल बना रही होती है। क्या बना रही होती है? एक तरह का एंगल बना रही होती है। वहां पर एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सब कोस्टल ग्रूव। क्या कहते हैं उसको? सब कोस्टल ग्रूव। और उस बॉर्डर को इन्फीरियर बॉर्डर कहा जाता है। क्या कहते हैं उस बॉर्डर को? क्या कहा जाता है? इन्फीरियर बॉर्डर। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक तरह इस तरह ये रिब बनाता हूँ, ये क्या बनाता हूँ? इस तरह रिब बनाता हूँ, तो ये एक तरह का जो आपकी इंटरकोस्टल जो नर्व होगी, ये देखें ये आपका क्या है? एंगल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या? एंगल लाइक। तो यहां पर जहां आर्च बन रही हो, एक तरह की क्या बन रही हो? आर्च। तो ये आपका, सॉरी, ये आपका इस तरह होता है कि आपकी इंटरकोस्टल सब कोस्टल जो ग्रूव होता है उसमें पाया जाता है। तो ये बॉर्डर हर का क्या होगा? सुपीरियर होगा, ये इन्फीरियर होगा। तो ये आपकी यहां पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? इन्फीरियर बॉर्डर के यहां पर, सब कोस्टल ग्रूव में, यहां से गुजर के जाती है। ठीक हो गया? तो ये सब कोस्टल ग्रूव में पाई जाती है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ नर्व ही नहीं पाई जाती, यहां पर आपकी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, जिसमें आर्टरी आ जाता है, जिसमें वेन आ जाता है। तो अगर हमसे कोई बंदा पूछता है कि जनाब आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है थोरैक्स रीजन की, इंटरकोस्टल वेसल्स होगी, इंटरकोस्टल नर्व होगी, तो वो कहां पाई जाएगी? तो हम उसका ये आंसर बताएंगे कि आपकी इंटरकोस्टल जो ब्लड वेसल्स और इंटरकोस्टल जो नर्व होती हैं, वो आपकी हर रिब की सब कोस्टल ग्रूव के अंदर इनफीरियर बॉर्डर जो होता है रिब का, वहां पर पाई जाती है। समझ आ रही है? उसके बाद ये होता है कि यहां पर दो मसल्स होते हैं। क्या होता है? दो मसल्स होते हैं। तो वो कौन से मसल्स होते हैं? और ये मसल्स होते हैं तीन मेन। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और एक होता है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होगी, नर्व हो गई, आर्टरी होगी, मतलब के ये आपकी इंटरनल और इनर मोस्ट मसल्स के दरमियान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? इंटरनल और इनर मोस्ट मसल्स के दरमियान में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जनाब आपकी ये जो ब्लड वेसल्स हो गई, ये जो आपकी आर्टरी हो गई, सॉरी ब्लड वेसल्स होगी, ये जो नर्व होती हैं, ये कहां पर पाई जाती हैं, कौन से मसल्स के दरमियान में होती हैं, तो हमने क्या बताना है कि इंटरनल मसल्स के दरमियान और इनर मोस्ट मसल्स के दरमियान ये पाई जाती हैं। और उसके अलावा कहां पाई जाती हैं? देखें, ये इंफीरियर सब कोस्टल ग्रूव है, तो ये इस सब कोस्टल ग्रूव से गुजर के जाती है। और ये क्या होता है? इंफीरियर बॉर्डर। क्या है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द सब कोस्टल ग्रूव ऑफ द ईच रिब, हर रिब में होता है। और इसको क्या कहा जाता है? ये पोजीशन को इसको कहते हैं न्यूरोवास्कुलर प्लेन। क्या कहते हैं? न्यूरोवास्कुलर प्लेन। न्यूरोवास्कुलर प्लेन इस वजह से क्योंकि यहां पर नर्व्स भी होती हैं, वेसल्स भी होती हैं। और उसके अलावा यहां पर अगर कोई भी सर्जन थोरैकोसेंटोसिस का प्रोसीजर करता है, थोरैकोसेंटोसिस क्या होता है? ये पहले मैंने कहा था, यानी कि एस्पिरेशन एक मैकेनिज्म जिसमें आप के, यानी कि इस तरह कर सकते हो, कोई भी सैंपल अगर लेना हो प्लूरल फ्लूड का, या फिर जो प्लूरल फ्यूजन हो गई हो, या फिर प्लूरल जो स्पेस होती है, प्लूरल स्पेस क्या होता है? देखिए हमारे जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स जो फेफड़े हैं, उसको दो कैविटी कवर कर रही होती हैं, उन कैविटी को जो कवर कर रही होती हैं उनको प्लूरल कैविटी कहते हैं। समझ आ रही है? तो जो प्लूरल कैविटी है, अगर उसमें फ्लूड, देखें अगर फॉर एग्जाम्पल ये लंग्स हैं, ये क्या है? ये लंग्स हैं। अब ये लंग्स हैं और इसके दरमियान में ये कैविटी है आपकी, ये क्या है? इस तरह ये क्या है? ये कैविटी है जो इसको कवर कर रही है, और इसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है। लेकिन अगर इसमें फ्लूइड इससे ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्लूइड, तो इसको नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसको निकालने के लिए, इसमें से जो फ्लूइड निकालने के लिए थोरैकोसेंटोसिस का एक प्रोसीजर होता है, वो किया जाता है। जो सर्जन होते हैं वो एक तरह का करते हैं कि आपकी इंटरकोस्टल स्पेस में से सिरिंज लेकर जाते हैं और आपकी जो प्लूरल कैविटी होती है उसको पंक्चर करते हैं, और उसमें से जो फ्लूइड होता है वो लेते हैं, उसमें से जो ब्लड फ्लूइड होता है वो निकाल लेते हैं। समझ आ रही है? तो इस तरह ये नॉर्मल कर दिया जाता है। और उस
उसके अलावा ये जो पंक्चर किया जाता है इसमें क्या देखा क्या जाता है मेन चीज देखें जब पंक्चर किया जाता है देखें ये जो इंटरकोस्टल ये एक तरह की रिब है ठीक है रिब है तो जब ये देखें एक तरह की ये सुई है यानी कि ये एक तरह की सुई है तो सुई जो होगी ये नर्व के ऊपर से ऐसे जाएगी बिल्कुल नीचे से नहीं जाएगी समझ आए कि नहीं आएगी यानी कि हां जी अपर पार्ट में लोअर पार्ट में नहीं होगी अगर आपके लोअर पार्ट में ये आपने सिरिंज इस्तेमाल कर ली तो आपकी न्यूरोवास्कुलर जो क्लियर यानी कि ये जो नर्व डैमेज हो सकती है उसके बाद आपकी वेन डैमेज हो सकती है उसके बाद आपकी आर्टरी डैमेज हो सकती है तो इस वजह से मतलब के अगर इधर पर एक मैं और रिप दिखाऊं ये एक और रिप है ये एक और रिप है तो इसमें आपने इधर लेके आना है कहां लेकर आना है इसके ऊपर वाली स्पेस में ताकि आपकी नर्व भी बच जाए आपकी वैसा भी बच जाए आपकी आर्टरी भी बच जाए क्लियर हो गया अच्छा जी ये हो गया तो हमने क्या आपको बताया कि आपका जो इंटरकोस्टल नर्व जो होती है ये पाई कहाँ जाती है उसके बाद ये इंटरकोस्टल नर्व ब्रांच किसकी होती है इंटरकोस्टल नर्व ब्रांच किसकी होती है इंटरकोस्टल नर्व ब्रांच होती है स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रामी की वेंट्रल रामी का दूसरा नाम होता है एंटीरियर क्या नाम होता है एंटीरियर यानी कि जो स्पाइनल कार्ड होता है जहां पर स्पाइनल कार्ड जो होगा जब स्पाइनल कार्ड में जो नर्व्स आती है उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स समझ आ रही है एक होती क्रेनियल नर्व्स होती है जो आपके दिमाग तक रह गई हेड क्रेनियल के कहते हैं हेड जो स्पाइनल नर्व होती है वो स्पाइनल कार्ड में आ गई तो स्पाइनल नर्व जो होती है ये थोरैसिक स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रामी से निकलती है कहां से निकलती है थोरैसिक स्पाइनल कार्ड के या थोरैसिक स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रामी से निकलती है और हर नर्व के कितने रामी होते हैं दो एक होता है पोस्टीरियर रामस एक होता है एंटीरियर रामस तो ये कहां से निकलेगी एंटीरियर रामस से अभी जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये आपको थोड़े से कंफ्यूज करेंगे क्योंकि अभी आपने ये चीज पढ़ी नहीं है जब हम न्यूरल एनाटॉमी करेंगे उसमें आप हम डिटेल में ये चीज देखेंगे कि रामस क्या होता है स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर क्या है इसमें क्या-क्या चीजें आती हैं उसमें आपको मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है समझ आ रही है तो अभी आपको हां जी ये आपकी स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रामी से निकलती है कहां से निकलती है स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रामी से निकल रही होती है एंटीरियर और वेंट्रल रामी का दूसरा नाम क्या होता है एंटीरियर वेंट्रल का एंटीरियर और ये जनाब हो गया आपके कहां से निकली देखिए ये नर्व जो होती है ये आपका स्पाइनल जैसे देखें ये आपकी रिब्स है ना एक तरह की ये क्या रिब्स तो यहां पर आपका एक तरह का वर्टीब्रा है ये क्या वर्टीब्रा तो ये वर्टीब्रा एक तरह का आप इस तरह वर्टीब्रा कंसीडर कर लो कि ये जो वर्टीब्रा है ये आपका थोरैसिक वर्टीब्रा है कौन सा वर्टीब्रा थोरैसिक वर्टीब्रा तो थोरैसिक वर्टीब्रा में ये जब स्पाइनल नर्व ऐसे आई तो ये कौन सी होगी थोरैसिक स्पाइनल नर्व क्या होगी थोरैसिक स्पाइनल नर्व अब ये थोरैसिक स्पाइनल नर्व जो है हमको पता है कि आपकी रिब जो है इसके साथ भी लगी हुई है इसके साथ लगी होती है तो अब देखिए ये आपकी जो नर्व होती है ये आपकी नर्व वेंट्रल जो रामी होगी उससे ऐसे आ रही है पोस्टीरियर से कहां से आ रही पोस्टीरियर से सामने आएगी कहां से आएगी पोस्टीरियर से सामने आएगी तो जैसे ये पोस्टीरियर से सामने आई और ऐसे आ रही है जैसे इधर आएगी इधर से आकर आपकी कुछ ब्रांचेस देती है तो ब्रांच क्या देगी ब्रांचेस देगी एक बात अपने माइंड में बैठा ले सिंपल जो मेन इंटरकोस्टल नर्व जो होती है मेन एक तरह की टिपिकल का मतलब ये होता है कि वो इंटरकोस्टल नर्व जिनका फंक्शन एक जैसा है जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है जिनका काम एक जैसा है उसको हम क्या कहेंगे टिपिकल नर्व वो टिपिकल नर्व क्या होती है देखें टिपिकल नर्व जो होती है वो आपके बेसिकली तीन तरह के मसल्स को सप्लाई करती है किस मसल्स को तीन तरह के मसल्स को जब यानी कि ये इंटरकोस्टल नर्व होगी जब ये इंटरकोस्टल स्पेस में आएगी तो सबसे पहले जैसे ये इंटरकोस्टल स्पेस में आता है तीन तरह के इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं सबसे पहले ये उनको सप्लाई करता है इंटरकोस्टल मसल्स कौन से बताएं वेरी गुड तो ये सबसे पहले तीन तरह के एक्सटर्नल इंटरनल इनर मोस्ट जो मसल्स हैं इन तीनों को सप्लाई कर रहा होता है किनको एक्सटर्नल इंटरनल और इनर मोस्ट उसके बाद जैसे ये आगे आई क्या ऐसे आ रही है ना ऐसे तो ये सबसे पहले एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच देती है कौन सी ब्रांच देती है एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच तो जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होगी ये आपके कौन से मसल्स को देगी पेक्टोरल मसल्स और पेक्टोरल मसल्स कौन होते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स मेन उसको सप्लाई करती होती है तो ये क्या होती है क्यूटेनियस क्या होती है सिर्फ ऊपर वाली स्किन को मेन नहीं सिर्फ ऊपर वाली स्किन को दोगी मेन काम टिपिकल के सबसे पहले मैंने क्या बताया था इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल इनर मोस्ट मसल्स जो होते हैं इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान उनको देती है उसके बाद ये जो इंटरकोस्टल जो
जो नर्व होती है ये जनाब आगे आई आगे आके एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच आएगी, जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होगी वो आपके किसको देगी, आपके पेक्टोरालिस मसल्स को देगी, उसके बाद आपकी ऐसी आगे जा रही है क्या, और ऐसे जैसे ये आगे जाएगी उसके बाद ये जनाब आपके लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच देगी। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो होगी ये जनाब आपकी एक जो आपके सिराटस एंटीरियर जो मसल्स होता है उसको देती है, किसको देती है, सिराटस एंटीरियर मसल्स को। अच्छा यानी कि टिपिकल जो नर्व्स होंगी वो कितनी होंगी, तीन, यानी कि तीन तरह के काम करेगी। तीन तरह के काम क्या करेगी, सबसे पहले आपके एक्सटर्नल इंटरनल और उसके बाद इनर मोस्ट मसल्स को दे दिया, एक ये काम हो गया। फिर ये आगे आई उसके बाद इसने ब्रांच दी एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच होगी वो आपके पेक्टोरालिस मसल्स को देगी, इसको देगी पेक्टोरालिस मसल्स को। उसके बाद आगे ब्रांच हुई उसके बाद लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होगी वो किसको देगी, सिराटस एंटीरियर मसल्स को। अब क्वेश्चन आता है कि आपकी जो टिपिकल नर्व्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। टिपिकल जो नर्व्स होंगी वो आपकी तीन नर्व्स होती है, T3 से लेकर T6 तक, कौन सी थी, T3, यानी कि T3 से लेकर, इसको याद करने का मतलब इस तरह 3 × 6, यानी कि आप इस तरह याद कर, तीन T3 से लेकर T6 तक, T3, T4, T5, T6, यानी कि चार जो आपकी नर्व्स होंगी वो कौन सी होगी, टिपिकल नर्व्स होंगी। टिपिकल मतलब क्या कि T3 ने जो काम किया T4 का भी वही है, T4 ने जो काम किया T5 का भी वही है, T5 ने जो काम किया T6 का भी वही है, समझ आ रही है। अब पीछे कौन सी रखी, हमने क्या बताया T11 तक नॉर्मल रीब्स है, अगर T11 तक मैंने बताया तो पीछे रहेगी T1 रहेगी, T2 रहेगी, उसके बाद T7 रहेगी, T8 रहेगी, T9 रहेगी और T10 और इस तरह T11 एटिपिकल है, ये आपकी एटिपिकल नर्व्स है। इस तरह क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपकी एटिपिकल नर्व्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, आगे समझ, तो आप क्या बताएंगे, T1, T2, T7, T8, T9, T10, T11 और इस तरह पूछ सकते हैं कि आपकी जो आर्टिपिकल जो नर्व्स, ये क्या आर्टिपिकल, ये क्या आर्टिपिकल, ये एक तरह की आर्टिपिकल नर्व है और ये क्या है टिपिकल। टिपिकल जो होगी वो कौन सी होगी, T3 से लेकर T6 तक, या फिर टिपिकल इसका सेम काम, सेम वाला तो हमने देख लिया। अब हम आते हैं जिनका सेम काम नहीं है उसकी तरफ आते हैं, देखें अब हम आते हैं T1 की तरफ। ये ऐसा कौन सा, देखिए एटिपिकल जो होती है ना उसको हम एटिपिकल क्यों कहते हैं, एटिपिकल जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है, इन तीनों को तो कर रहा होता है सप्लाई, लेकिन इन तीनों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा और भी काम कर रहा होता है, वो एक्स्ट्रा काम कौन सा होता है अब हम वो देखते हैं। T1 जो है, अगर आप ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने पढ़ा हो वो कहां से शुरू होता है, यानी कि C5 से लेकर T1 तक, समझ आ रही है, C5 से लेकर T1 तक, तो T1 ब्रेकियल प्लेक्सिस में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये इस वजह से एटिपिकल नर्व है, एटिपिकल नर्व है। तो ये अब T1 जो है ये ब्रेकियल प्लेक्सिस का काम कर रहा है, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है वो अपर लिम को सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो इंटरकोस्टल नर्व है वो हमारी थोरैक्स रीजन तक है, कहां तक है, थोरैक्स रीजन तक है, तो जो थोरैक्स रीजन तक है उसको हम टिपिकल कहेंगे, जो थोरैक्स रीजन की बाहर निकली हुई है किसी भी जगह पर वो एटिपिकल। सिंपल याद करने का तरीका कि जो आपकी थोरैक्स रीजन के अंदर अंदर है वो आपकी टिपिकल है, जो थोरैक्स रीजन के बाहर है वो आपकी आर्टिपिकल नर्व, ठीक हो गया। अच्छा जी T1 का हो गया, T2 क्या काम करती है, T2 ये काम करती है जनाब आपकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच देती है, लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच देती है जो कि आपके सिराटस एंटीरियर मसल्स को गई, और उसके बाद आपकी क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द आर्म होती है, क्या होती है, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द आर्म ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट, कौन सा मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, देखिए मीडियल क्या होता है, मीडियल ये आपका हेड है ना, जहां पर आपका हेड इसके साथ लग रहा है, तो ये वाला हिस्सा हेड की तरफ वाला मीडियल होगा, दूसरी तरफ वाला लेटरल होगा, समझ आ रही है, ये हर बोन में इस तरह होता है, तो ये न्यू नहीं है, ठीक है, हर बोन में यो आपके हेड जहां पर जिस तरफ आपका हेड होगा उस तरफ वाला हिस्सा मीडियल होगा, जिस तरफ आपका हेड नहीं होगा वो वाला हिस्सा आपका लेटरल होगा। तो ये आई ये T2 जो होती है, T2 जो नर्व होती है ये आकर जनाब आपके लेटरल जो क्यूटेनियस ब्रांच होती है जिसकी वजह से सिराटस एंटीरियर को गई, और उसके बाद आपके ये जनाब मीडियल जो एस्पेक्ट होता है आर्म उसको जा रही होती है, किसके जा रही है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, तो मीडियल साइड की जो आपकी क्यूटेनियस सर्फस होती है वो आप देख सकते हो कि ये किस तरह की है, ठीक हो गया, ये क्या, और इस वजह से इसको आप एक और नाम देते हो कोस्टोब्रेकियल नर्व। तीन एक तरह के देखे हैं, T7,
T8 और T9 ये तीन तरह की जो नर्व हैं ये एक काम इस तरह करती हैं कि जो आपकी इंटरकोस्टल जो स्पेस होती है इंटरकोस्टल स्पेस होती है उसमें जो कार्टिलेज होते हैं उसको पास करके डीप फैशिया से गुजर कर आपके एब्डोमिनल मसल्स को देनी होती है। किसको जा रही होती है? एब्डोमिनल मसल्स की तरफ जा रही है। अब देखें ये कहां गई? एब्डोमिनल मसल्स की तरफ गई। 7, 8 और 10 एब्डोमिनल मसल्स की तरफ गई। इसने 7, 8, 9 ये तीन। देखें इस तरह होता है कि हमें पता है कि हमारी हर जो नर्व है वो इंटरकोस्टल स्पेस में है। ये जो होती है C7, T8 और T9 तीन ये जो नर्व्स होती हैं ये आपके इंटरकोस्टल जो स्पेस होती है उनमें से जो मसल्स होते हैं उसमें से गुजर कर उसके जो डीप फैशिया बिल्कुल अंदर वाला उससे अंदर से गुजर कर जो आपके एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई कर रही होती है। तो एक तरह का ये एक्स्ट्रा काम कर रही है कि नहीं कर रही? क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरकोस्टल जो नर्व है वो थोरैक्स रीजन तक होगी लेकिन ये एब्डोमिनल रीजन तक भी आ गई। तो इस वजह से इसको क्या कहा आपने? एक तरह का एटिपिकल नर्व। और ये कौन सी? T7, T8 और T9। उसके बाद यहां पर आगे T10 और T11 ये डायरेक्टली आपके एब्डोमिनल मसल्स को दे रही होती है। कहां जा रही है? डायरेक्टली। इस डायरेक्टली में क्या आता है आपके यानी कि एब्डोमिनल मसल्स को। एब्डोमिनल मसल्स कौन कौन से होते हैं? देखें रेक्टस एब्डोमिन मसल्स। कौन सा होता है? रेक्टस एब्डोमिन मसल्स, इंटरनल ओब्लिक मसल्स, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्स मसल्स। ये चार तरह के जैसा जो मसल्स होते हैं ये आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स यानी के एक्सटर्नल ओब्लिक, उसके बाद इंटरनल ओब्लिक मसल, उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस। अब आपको कोई बंदा एब्डोमिन का मसल्स पूछे आप बता सकते हो? ठीक है, ये चार सिंगल मसल्स हैं एब्डोमिन में। ठीक है, यानी कि रेक्टस एब्डोमिन, इंटरनल एब्डोमिन, एक्सटर्नल एब्डोमिन और ट्रांसवर्स, इंटरनल ओब्लिक भी कह सकते हो, एक्सटर्नल ओब्लिक भी। ठीक हो गया, तो ये इन सब को दे दिए इस तरह। उसके बाद ये एक यानी कि जो नर्व्स होती हैं ये कहां जाती हैं? देखिए हमको पता है कि हमारे थोरैक्स में लंग्स होते हैं तो इंटरकोस्टल नर्व की एक ब्रांच होती है प्लूरल नर्व। क्या होती है? प्लूरल नर्व। जो प्लूरल नर्व होती है वो जा रही होती है T1 से लेकर T6 तक। इस तरह ये ब्रांचेस भी आपकी होती है जो प्लूरल नर्व होती है। ये प्लूरल नर्व क्या करती है? ये प्लूरल नर्व जाती है और आपके जो लंग्स होते हैं लंग्स की जो पैराइटल कैविटी यानी कि पैराइटल जो आउटसाइड की लेयर होती है उसको मैसेज दे रहे होते हैं। देखें ये आपके लंग्स हो गए, ये लंग्स हो गए और ये आपकी कैविटी होगी। ये बाहर वाली कैविटी जो है इसको क्या कहते हैं? विसरल, सॉरी पैराइटल, पैराइटल क्या कहते हैं? पैराइटल। तो ये जो आपकी इंटरकोस्टल नर्व जो होती है इंटरकोस्टल नर्व ये आपकी पैराइटल पेरिटोनियम सॉरी पैराइटल प्लूरल कैविटी जो होती है इसको जाकर आकर ऐसी मैसेज दे रही होती है और इस वजह से हमें पेन की सेंसेशन होती है, टच की सेंसेशन होती है, टेम्परेचर की सेंसेशन होती है, वाइब्रेशन की सेंसेशन होती है, हर तरह की इन्फ्लामेशन जब होती है और हमें सांस लेते हुए इशू होता है उसका मसला क्या होता है? उस वक्त आपकी इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांच जो प्लूरल नर्व जो होती है वो आपको मैसेज दे रही होती है कि आपके फेफड़ों में कोई इशू है। उसमें आपकी कौन सी होती है? ये आपकी पैराइटल में जा रही होती है। विसरल में कोई भी सेंसेशन कोई भी नर्व नहीं जाती, ये अपने माइंड में बिठा लें। विसरल में किसी तरह की नर्व नहीं जाती होती, हर तरह की नर्व की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ पैराइटल लंग्स में रहती है। और पैराइटल में क्या वो आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है जनाब, यानी कि किसकी ब्रांच होती है? इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांच होती है। पैराइटल जो होती है वो आई और उसके बाद पैराइटल ने इस तरह ब्रांच दी और कहां गया आपके, आपको पेन की सेंसेशन फील होगी। ठीक हो गया, उसके बाद जनाब ये हो गया। उसके बाद आपके पेरी जैसे ही हमने तीन तरह की कैविटी बहुत मशहूर है, लंग्स की, हार्ट की और एब्डोमिन की, एब्डोमिनल रीजन की। जो आपके लंग्स की कैविटी होती है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी, समझ रहे हैं? जो आपके एब्डोमिन की कैविटी है उसको कहते हैं पेरिटोनियम कैविटी, जो आपके हार्ट की कैविटी उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये जनाब आपके लंग्स की तरफ ऐसे चलेगी, इसको मैसेज देती है इंटरकोस्टल नर्व्स की ब्रांच है। हाँ जी, T1 से T6 तक मेन ये होती है। ठीक है, यहाँ की ब्रांचेस आ रही होती हैं। उसके बाद T7 से लेकर T11 तक, T7 से लेकर T11 तक जो एटिपिकल नर्व है, जो हमने कहा क्या है? एटिपिकल नर्व है और उसके साथ T1 और T2 भी होती है। एटिपिकल T7 से लेकर T
यानी कि 11 तक ये जो नर्व होती हैं ये नीचे जाती हैं एब्डोमिनल रीजन पर गई, एब्डोमिनल रीजन पर जाकर इसने एक ब्रांच जिसको कहते हैं पेरिटोनियल ब्रांच, क्या कहते हैं पेरिटोनियल ब्रांच, और ये जो पेरिटोनियल ब्रांच होती है ये आपकी जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स जितने भी हैं उन सबको पेरिटोनियल कैविटी कवर कर रही होती है और उसको जा रही होती है। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, देखो यार आपके एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आपके एब्डोमिनल कैविटी में आपका स्टोमिक आ गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जीआईटी के जितने भी हैं, जीआईटी के कौन कौन से हैं उनको कवर कर रही होती है पेरिटोनियम, और वो कुछ को हाफ कवर कर रही होती है, ये लाजमी नहीं पूरा कवर, कुछ को पेरिटोनियम हाफ कवर कर रही होती है, कुछ को पूरा कवर कर रही होती है, कुछ को सिर्फ और सिर्फ कुछ साइड से कवर कर रही होती है, ठीक हो गया। तो इस वजह से पेरिटोनियम का आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जीआईटी के ऑर्गन्स को एक तरह की ये कवर करती है, इसमें स्टोमिक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, लीवर आ गया, पैंक्रियाज आ गया, उसके बाद गॉल ब्लैडर आ गया, ये सारे एक तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं आपके एब्डोमिनल रीजन को उसको जो कैविटी कवर कर रही होती है उसको क्या कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और ये इंटरकोस्टल नर्व की एक ब्रांच होती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियल नर्व, ये जाकर उस पेरिटोनियल कैविटी को जाकर मैसेज देती है, और किसी भी ऑर्गन में किसी भी तरह की जब पेन होती है, जब कोई इशू होता है तो हमें एब्डोमिनल पेन होती है, किसकी वजह से होती है, उसमें थोड़ा सा जो होता है सेंसेशन का जो फील होता है वो किसका होता है आपका पेरिटोनियल नर्व का, कौन सा होता है पेरिटोनियल नर्व का, और पेरिटोनियल जो नर्व होती है वो ब्रांच किसकी होती है इंटरकोस्टल नर्व की, क्लियर हो गया।